देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल फॉर्मूला आपका किसके रेफरेंस में, बॉन्ड ऑफ ने गिवन था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें केबी इक्वल टू एम ए आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इनटू 1000, जहां पर आपका एम ए क्या है, आपका एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम ए क्या है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, आर क्या है आपका गैस कॉन्स्टेंट, टीबी क्या है आपका गिवन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और के भी आप जानते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। अब बात आती है आपकी किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। इसके बाद आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। अब इसको आप थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अपने पास में कोई लिक्विड है, क्लियर, इस लिक्विड को अपन ने क्या किया, हीट किया, क्या किया, हीट किया, यहां पर क्लोज वेसल में है, हीट किया तो यहां पर कुछ वेपर क्या होगी, कलेक्ट होगी। जब ये वेपर्स कलेक्ट होकर वापस आ जाती है तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो होती है उसी को अपन कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान से देखिए, ये कोई आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को अपन ने क्या कर रखा है, हीट किया, हीट करने के बाद में ये आपका जो क्लोज वेसल है उस क्लोज वेसल में ये कुछ वेपर्स आपकी कलेक्ट होगी, कलेक्ट होने के बाद में इन वेपर्स में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो अपन यूज लेते हैं उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं अपन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसका रिलेशन केबी के साथ में क्या है, केबी इक्वल टू एम ए आर टीबी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू 1000। ये फॉर्मूला भी आपका डायरेक्ट गिवन है, इसका कोई डेरिवेशन आपको नहीं गिवन है, तो ये आपको लर्न करना है। कभी कभार आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केबी एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले से नुमे